नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीन की साइनोफार्म वैक्सीन की। चीन में इस वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, मतलब चीन अभी इस वैक्सीन को अर्जेंट बेसिस पे इस्तेमाल कर रहा है। तो वैक्सीन किन लोगों को दी जा रही है और ये कब से दी जा रही है और ये वैक्सीन कौन से कंपनी ने तैयार की है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रशांत मोरे, आपका स्वागत है डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप चैनल पे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, चाइना की जो साइनोफार्म कंपनी है, इसने तैयार की है वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो ये जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, मतलब ये तैयार की है डेड वायरस से। वायरस को डेड करने के बाद, मारने के बाद ये वैक्सीन तैयार की जाती है। इसकी वजह से बॉडी में जाने के बाद ये मल्टीप्लाई नहीं होती है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम रहते हैं। तो इसके फेज़ वन और फेज़ टू के ट्रायल चाइना ने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं और इसमें पाया है कि ये सेफ है और ये अच्छा इम्यून रिस्पांस तैयार करती है। तो चाइना ने इस वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। तो दोस्तों, ये जानकारी दी है झेंग झोंग झेवी, ये है चाइना की जो कोरोना वायरस वैक्सीन डेवलपमेंट टास्क फोर्स है, इसके हेड है। इन्होंने जो स्टेट टीवी है इससे बात करते हुए ये जानकारी दी कि 22 जुलाई से चाइना में इस वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है और ये वैक्सीन वहाँ जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है और जो लोग हाई रिस्क है या जिस एरिया में केसेस मिले हैं और वहाँ के जो अथॉरिटी के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं, तो इन लोगों को ये वैक्सीन दी जा रही है। इसके अलावा जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की कंपनीज़ है, स्टेट रन इंटरप्राइजेस, इसके एम्प्लॉयज़ है, अगर इनको फॉरेन कंट्रीज़ में जाना रहता है तो ये वैक्सीन उनको दी जाती है। दोस्तों, जैसे मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में बात की थी कि इस वैक्सीन को चाइना ने अपनी मिलिट्री के लिए भी परमिशन दी है और मिलिट्री को भी ये चाइना ये वैक्सीन दे रहा है। तो हो सकता है चाइना ने अभी हज़ारों लोगों को अपने ये वैक्सीन दी हो। इसका डाटा चाइना ने अभी रिलीज़ नहीं किया है कि कितने लोगों को दी है, लेकिन चाइना ने कहा है कि हम लोग ये वैक्सीन जो लोग हाई रिस्क है उनको दे रहे हैं। और चाइना अभी ये एक्सटेंड कर रहा है जो फूड मार्केट में काम करते हैं लोग, जो सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं या जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको भी अभी ये वैक्सीन दे रहा है। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि इस वैक्सीन के जो ट्रायल्स है वो चल रहे हैं यूएई में, वहाँ लगभग 20,000 लोगों को ये वैक्सीन दी गई है और इसमें किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिले हैं। इसके अलावा चाइना अपने फेज 3 ट्रायल्स इसी वैक्सीन के पेरू, मोरक्को और अर्जेंटीना में भी करने वाला है। तो दोस्तों, ये जो वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और भारत में भी भारत बायोटेक जो है अपनी कोवैक्सीन तैयार कर रहा है, ये भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का फ़ायदा यह रहता है कि इसमें पूरा वायरस इस्तेमाल किया जाता है, तो ये डेड वायरस रहता है, बॉडी के जाने के बाद ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम रहते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है भारत में भी इस वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिले। अभी इसके सेकंड फेज के जो ट्रायल्स है वो अभी ख़त्म होने की कगार पे है, तो अभी देखते हैं। और इसके बारे में कुछ अपडेट रहा तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में अवगत करूँगा। इसके अलावा आपके मन में कुछ शंका या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अभी कोरोना वायरस वैक्सीन से रिलेटेड जो भी रिसेंट इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स है, मैं रेगुलर इस चैनल पे ला रहा हूँ, डेली इसके बारे में अपडेट्स दे रहा हूँ। इसके पीछे मेरा मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को अवगत कराना कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए अच्छे से अच्छी वैक्सीन तैयार हो रही है और कुछ महीने के अंतराल में ये सबके लिए अवेलेबल होगी। तो दोस्तों, तब तक जो प्रिकॉशंस है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल करना, अपने हाथों को बार बार धोना, इन सब प्रिकॉशंस का पालन करना चाहिए। दोस्तों, पूरी दुनिया में 8 वैक्सीन्स अपने लास्ट स्टेज ट्रायल्स में हैं और तब तक हमें ये इन सब प्रिकॉशंस का पालन करना है। हम इनका पालन करेंगे तो हम खुद को और अपने फैमिली को कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने से बचाएंगे और ये जो पैंडेमिक का स्प्रेड है इसको रोकने में भी इसकी हेल्प होगी। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूले। धन्यवाद।